नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि आप ग्रो ऐप से आईपीओ कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों, आईपीओ अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर ग्रो ऐप को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप ग्रो ऐप को लॉगिन करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट एंड टूल में आपको तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए आईपीओ दिख जाएगा। तो जो भी आईपीओ ओपन रहेगा यहाँ पे उसका क्वांटिटी लिखा रहेगा। जैसे अभी एक आईपीओ आने वाला है तो यहाँ पे एक शो कर रहा है, तो आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। एक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अपकमिंग, जो अपकमिंग आईपीओ आने वाले रहेंगे उनके लिस्ट यहाँ पे आएगी। जो आईपीओ अप्लाई करने के लिए ओपन रहेंगे की लिस्ट यहाँ पे आपको शो करेगा। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये आईपीओ अभी आने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा 23 जून 5 बजे के समथिंग। ये आईपीओ अभी क्लोज हो जाएगा। तो आईपीओ डिटेल देखने के लिए आप एक बार इसके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे है दोस्तों, आईपीओ से रिलेटेड को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये बता रहा है कि इस आईपीओ के एक लोट के अंदर 25 शेयर मिलने वाले हैं, जिसका प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,875 रहने वाला है। यहाँ पे दोस्तों आईपीओ की डेट आपको दिखाएगा, यानी आईपीओ कब से स्टार्ट होगा और कब ये आईपीओ बंद हो जाएगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कितनी कर सकते हैं, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अभी आप देख सकते हैं 13,875 रुपए आप कर सकते। नीचे यहाँ पे दोस्तों आईपीओ की आपको रेंज, प्राइस रेंज दिखाई जाएगी, यानी इस आईपीओ का भाव रहने वाला है 555 रुपए से लेके 585 रुपए, और एक लोट के अंदर दोस्तों आपको 25 शेयर मिलने वाले। इसका जो इश्यू साइज रहेगा दोस्तों, वो 480 करोड़ रहेगा। और डिटेल्स में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे RHP PDF को डाउनलोड करके इसकी डिटेल्स पढ़ सकते। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए कुछ प्राइस और आ रहा है। यहाँ पे रेगुलर आईपीओ के लिए इसका जो प्राइस है ये आपको दिखा रहा है। आप यहाँ पे 2 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ऑप्शंस इनेबल हो चुका है ग्रो में, ये नया फीचर से अभी। तो यहाँ पे HNI कैटेगरी के इन्वेस्टर जो रहते हैं, यानी जो ज्यादा पैसा लगाते हैं, उनको भी सेम भाव मिलेगा 555 से लेके 585 रुपए। बट यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा सीधे 2 लाख से 5 लाख के बीच, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। के बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा आईपीओ का सब्सक्रिप्शन रेट अभी क्या चल रहा है। तो आप एक बार इसके ड्रॉप डाउन मेनू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों तीनों कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे रिटेल के अंदर कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है, उसके बाद नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, जो इंस्टीट्यूशनल रहते हैं HNI कैटेगरी, उन लोगों ने यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अबाउट कंपनी के ऊपर आपको क्लिक करना है, तो कंपनी क्या काम करती है, कौन से प्रोडक्ट के अंदर डील करती है। तो दोस्तों ये मेनली कंपनी जो डील करती है वो मास प्रोडक्शन, यानी मीट के प्रोडक्शन के लिए डील करती है। तो आपको कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे पता चल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इस आईपीओ के अंदर कितना रिस्क है वो यहाँ पे इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव आप यहाँ पे दोनों पढ़ सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको कंपनी के फाइनेंशियल मिल जाएंगे। जैसे रेवेन्यू आप देखेंगे तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू अभी लगातार यहाँ पे देखिए डाउन होते जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। जैसे 31 करोड़ हुआ था 19 में, 20 में 46 और अभी 21 के अंदर करोड़, तो प्रॉफिट डाउन हो रहा है। बट रेवेन्यू यहाँ पे जैसे ही आप रेवेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू डाउन हो रहा है, यानी इस आईपीओ के अंदर कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी दिक्कत है। तो यहाँ पे पहले आप सब्सक्रिप्शन देखिएगा, के बाद ही इस आईपीओ के लिए अप्लाई करिएगा। उसके बाद टोटल नेट एसेट, यानी कंपनी के पास क्या क्या एसेट है, तो यहाँ पे आप 19 में देखेंगे तो कंपनी के एसेट था 49 करोड़ रुपए, 20 में 473 करोड़ हो जाता है और 21 में 72 करोड़ रुपए हो जाता है। रेवेन्यू के अंदर डाउट है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू डाउन हो रहा है और कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो ये चीजें मुझे समझ नहीं आ रही। आईपीओ के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो नीचे देखिए आपको अप्लाई फॉर आईपीओ का ऑप्शन मिलता है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक लोट, यानी 25 शेयर का एक लोट है। अभी आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 25 शेयर आ रहे हैं। अगर आपको लगता है आपको ज्यादा लोट चाहिए तो आप यहाँ से अपना लोट साइज बढ़ा सकते हैं। जितनी बार आप क्लिक करते जाएंगे तो यहाँ जितने लोट रहेंगे आपके लिए यहाँ से आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो अभी दोस्तों हमको 25 ही चाहिए एक लॉट, यानी मैं यहाँ पे देखिए एक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं लॉट डाल देता हूँ, तो यहाँ पे एक लॉट में 25 शेयर है। के बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे बीट का प्राइस देख रहे होंगे आप 585 रुपए, और यहाँ पे ये एक चेकबुक दिख रहा होगा आपको। दोस्तों ये चेकबुक इसलिए लगा होता है, अगर आप इसको हटा देंगे तो आप अपनी मर्जी का यहाँ पे प्राइस डाल सकते हैं। बट अगर आपको आईपीओ चाहिए तो आप इसके ऊपर कर दीजिएगा, तो जिस भाव में भी आईपीओ का बीट लगेगा ये कट ऑफ प्राइस के ऊपर आपको बाई करके दे देगा। आप मेरे वाली प्राइस डालेंगे तो चांसेस होते हैं कि आपको आईपीओ ना भी
मिले। सारी चीजें आपने मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ ली होगी। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कंटिन्यू का, आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ग्रो ने एक नया फीचर लॉन्च किया, यहाँ पे देखिए रेगुलर आईपीओ यानी कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है, बट आपके पास ज्यादा पैसे है जो आप HNI कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एक बार रेगुलर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप रेगुलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रेगुलर्स के अंदर हम 2 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर जाएंगे तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप 2 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अदर कैटेगरी में चले जाएंगे, आपके लोड साइज भी काफी बढ़ जाएंगे। तो मुझे अभी इसमें जाना रेगुलर में यानी रिटेल्स कैटेगरी में, यहाँ पे मुझे 1 लॉट के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख रहे हो कंटिन्यू का ऑप्शन है, आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपकी UPI ID पहले आपने दी होगी वो सभी UPI ID आपको शो करेगा। फिर भी अगर आप कोई अदर UPI ID से पेमेंट करना चाह रहे हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अभी फोन पे की UPI ID रखना चाह रहा हूँ तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका फोन पे का UPI ID आ जाएगा। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अप्लाई फॉर IPO, आप एक बार इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए IPO का रिक्वेस्ट आपको चला गया, जो भी UPI ID आपने दी होगी जिस ऐप की उसके अंदर अभी आपको यहाँ पे जाना होगा और यहाँ पे UPI रिक्वेस्ट टेक द 24 आवर फॉर एप्लीकेशन, तो जो आपका रिक्वेस्ट अप्रूव होगा उसको कंप्लीट होने में 24 घंटे का टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे देखिए मैं डन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या होगा अभी आप यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये UPI ID मेरा है। के बाद यहाँ पे बीट का अमाउंट दिखाएगा, यहाँ पे कितने शेयर है वो दिखाएगा, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जनरेट, तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन 21 जून से 23 जून के बीच जनरेट हो जाएगा। उसके बाद रेगुलर यहाँ पे आपको टाइप दिखाएगा, अगर आप HNI कैटेगरी के अंदर अप्लाई करेंगे तो उसका भी यहाँ पे आपको दिखाएगा। देखिए IPO का प्रोसेस कैसे होगा वो आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे IPO के लिए अप्लाई कर दिया, अभी हमको UPI के ऊपर रिक्वेस्ट गया उसको हमें अप्रूव करना होगा। तो जैसे ही अप्रूव करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसे चेकबॉक है ये वाला, तो इसके अंदर भी ऐसे चेकबॉक लग जाएगा। जैसे ये चेकबॉक लगेगा जैसे ही अप्रूव हो जाएगा रिक्वेस्ट हमारा, यहाँ पे भी इस टाइप के चेकबॉक लगते जाएंगे। और जैसे ही फाइनल IPO का अलॉटमेंट होगा अगर हमें IPO लगेगा तो यहाँ पे भी एक चेकबॉक लग जाएगा। अभी आपको अपने ऐप के अंदर कैसे देखना है कि रिक्वेस्ट कहाँ पे आती है, जिस ऐप का भी आप UPI ID देंगे उस ऐप को आप ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पे फोन पे का UPI ID दिया तो मैं फोन पे को ओपन करूँ, ये देखिए मेरे मोबाइल में फोन पे है, मैं इसको ओपन करूंगा। जैसे ही आप फोन पे को ओपन करेंगे कई बार क्या होता है वही रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे शो कर देता है, बट अगर यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे नहीं शो होता तो देखिए राइट साइड में ये बेल का आइकन दिख रहा होगा आपको, इस आइकन के ऊपर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट आई होगी तो वो शो कर देगा। तो अभी देखिए हमें यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आई है, तो अभी आपको यहाँ पे कुछ देर वेट कर लेना है, आपको रिक्वेस्ट जल्द ही रिसीव हो जाएगी। तो दोस्तों अभी काफी टाइम हो चुका है हमें फोन पे के अंदर रिक्वेस्ट नहीं आई है, तो हम इस IPO के लिए अप्लाई करेंगे मार्केट ओपनिंग टाइम में। तो अभी दोस्तों मार्केट क्लोज है, हो सकता है इस कारण भी हमें IPO का रिक्वेस्ट नहीं आ रहा। तो अभी दोस्तों मैं इस IPO को कैंसिल करने वाला हूँ और कल ही जब मार्केट ओपन होगा तो मैं इस IPO के लिए अप्लाई कर दूंगा। तो आप अगर कैंसिल करना चाह रहे हैं तो ये प्रोसेस आपको दोस्तों तभी करनी है अगर आप पेमेंट नहीं पे कर रहे। अगर आप पेमेंट पे कर देंगे तो यहाँ से IPO कैंसिल तो हो जाएगा बट जो आपका अमाउंट रहेगा दोस्तों वो ब्लॉक हो जाएगा। तो जब भी आप IPO कैंसिल करें तो आपकी पेमेंट डन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप IPO कैंसिल भी कर देंगे फिर भी आपका पेमेंट तभी रिलीज होगा जब इस IPO की एंड डेट आएगी, मतलब स्टॉक जब सभी इन्वेस्टर अलॉट हो जाएंगे और जिन लोगों को नहीं मिलेगा तो जब रिफंड आता है तभी आपका पैसा यहाँ से अनब्लॉक कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैंसिल का ऑप्शन है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए कंफर्म का ऑप्शन है, मैं कंफर्म के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए IPO कैंसिल, तो हमारा IPO कैंसिल हो चुका है और अमाउंट भी अनब्लॉक, देन आपको डन के ऊपर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। फिर भी ग्रो ऐप में IPO कैसे अप्लाई करते हैं इस रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा एक जनरल रिप्लाई देने की। चलिए मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, चलिए धन्यवाद।